हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी मैंने एडिटिंग भी कर ली, अपलोड भी कर दिया और वर्कआउट भी कर दिया। आज मुझे वर्कआउट करना था, वो मेरा वर्कआउट हो गया। मेरा आज हाँ वर्कआउट करा था ना, शरीर बड़ा भारी सा लग रहा था क्योंकि मुझे अभी आदत है नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद पहले पहले मैंने की थी एक्सरसाइज, अब मैंने आज जाके की है, इसलिए वो तो लगेगा ही भारी शरीर। इसकी अभी आदत हुई नहीं, धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। फिर अगले महीने से जिम ज्वाइन भी कर लूँगा। चलो देखते हैं आज कैसा दिन जाएगा। धूप तो आ गई और रात में ठंड इतनी हो गई थी, अचानक से ठंडी बढ़ गई थी कल रात से। अभी थोड़ा बहुत कोहरा तो हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग भी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही है, उस तरफ की इस तरफ की। मेरी मौसी का फ़ोन आया था, वो कंडे भंडार में है, उनने ना चावल की बोरी ली होगी, वो भारी बहुत है। अब मैं जाता हूँ, मैं उठा लूँगा और नानी के घर में रख के आ जाऊँगा। अब सीधा नानी के घर ही जाऊँगा मैं यहाँ से। अभी मैं फिलहाल नाना नानी के घर में हूँ, अब मैं इनके लिए चाय बना लेता हूँ, फिर मैं अपने घर चले जाऊँगा क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया हुआ है। मम्मी का फ़ोन भी आ गया, जल्दी आ जाएगा और खाना खा ले, फिर देखूँगा शाम को यहाँ वापस आ जाऊँ। जो मैं कैंडा बंदा से सामान लेके आया था, क्या क्या लाया है, ये चने की दाल, ये राजमा, चीनी, दाल, बिस्कुट, ये बर्तन धोने का साबुन, घी, लाइबॉय, ये डाबर का ब्रश, वो दातुन, और ये टाइड, और ये चावल। ये तो गंदा है, ये तो चाय पत्ती पहले इसको धो लेता हूँ। घर तो मैं आ गया और अभी मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने पंखा ऑन किया हुआ है क्योंकि गर्मी सी लग रही है मुझे, और ये मैंने ये पहना हुआ है हुडी, इससे गर्मी सी लग रही है, बहुत थकान सी भी लग रही है। इससे लेट जाता हूँ, पंखा ऑन तो कर दिया, अब फिर खाना वाना खाऊँगा। अभी खाने में सोयाबीन, खाना तो मैंने खा लिया और अभी मैं छत में बैठा हूँ क्योंकि धूप सेक रहा हूँ, थोड़ा हवा भी चल रही है। और फिर मैं अपना आगे काम करता हूँ चैनल का। गाइस, अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7-8, पता भी नहीं चला 7 कब बज गए। 6 बजे मैं उठा था, फिर मुझको अचानक से फिर से नींद आ गई, फिर मैं सो गया 1 घंटा और सो गया मैं अलग से। चलो अब तो 12 अंधेर अभी हो गया होगा, फिर देखता हूँ क्या करना है आज। इसके पहले सबसे पहले टैंकी में पानी भर लेता हूँ, फिर मैं बाहर घूमने जाऊँगा। मैंने आलू उबाल के रखे थे, उबल गए होंगे, थोड़ा और पानी गर्म कर देता अच्छे से उबल जाएगी। बाहर भी अंधेरा हो गया और नीचे गली में भी लोग घूमते रहे अभी। ये शायद ख़राब हो गया, ये इसकी यहाँ पे लाइट जलती थी रेड, ये ऑन भी कर दिया और स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ख़राब नहीं हो गई शायद, ये अकेली चीज़ से पानी गर्म करती थी, अब ये ख़राब हो गया, घर वाले मुझे ख़राब कर देंगे पता चल गया तो। अब देखता हूँ क्या करना है। ये एक प्रॉब्लम है यार, बाइक खड़ी रहती है अपने आप ही धूल जम जाती है बाइक पे, अब साफ़ करनी पड़ेगी वापस। परसों तो की थी मैंने बाइक साफ़।
आंटी ने तो ताला लगा दिया क्योंकि अंकल आगे हो गए। आई क्यों नहीं? कबूतर को भी ठंड लग रही होगी, वो भी यहीं आके बैठ गया। मैं जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने वो पानी का जग भी खराब कर दिया। वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, वो हुआ ही नहीं, स्विच ऑन था इसलिए वो फूक ही गया। अभी मैंने ऑनलाइन उसका रेट देखा, 800 रुपये का था। अब ले नहीं सकता, इतने रुपए तो है नहीं अभी मेरे पास। देखूंगा जब मेरे पास रुपए आ जाएंगे, जब मैं होटल जाऊँगा काम करने तो वहाँ से आ जाएगा, तब मैं नया ले लूँगा। फिर देखते हैं, कल सुबह देखूँगा पापा उनका क्या चल रहा नहीं चल रहा। अभी पापा है और मम्मी है, उनको तो पता नहीं है मैंने ख़राब कर दिया, वरना वो मुझे ख़राब कर देंगे। इसीलिए आज के लिए बाय, इतना ही। फिर मिलेगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।